मेरा भी एक काफी लोग सवाल, सुन क्या? गए। जी, पूछिए। हाँ सर, मेरा भी एक सवाल कमेंट्री से रिलेटेड था। कई बार सर, कई बहुत सारे मूवी स्टार्स या अदर फील्ड के लोग भी आपके साथ कमेंट्री करने आते हैं, तो सर हाँ मतलब उनको पहले से ही कुछ क्यूज दिए जाते हैं कि इस प्लेयर, ये प्लेयर अच्छा है तो आपको इसकी तारीफ करनी है एंड ऑल, मतलब ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो बेचारे कुछ होते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं। जैसे सनी देओल थे, वो होमवर्क करके आए थे। मेरे साथ मनोज वाजपेयी बैठे थे, मनोज वाजपेयी होमवर्क करके आए थे। कुछ ऐसे ही आके बैठ जाते हैं नींद में और बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जो जबरदस्त, अब उनका तो कुछ भी चलता है, उनकी थोड़ी नौकरी दांव पे है। एंड तो ऐसा कोई नहीं। उनको ब्रीफिंग, कोई देखिए, ब्रीफिंग का टाइम भी सर नहीं होता अभिषेक है। बच्चन के बारे में थोड़ा। देखो, अभिषेक बच्चन जितना पैशनेट आदमी आपको कोई मिल नहीं सकता। अभिषेक बच्चन क्या है, वो टीम के साथ खेलता भी है, वो ट्रेन भी करता है, सबके साथ ट्रेनिंग करता है। वो जाके कभी लेफ्ट कॉर्नर बन जाएगा, कभी लीडर बन जाएगा। अभी तो कोरोना में थे तो वो ज्यादा आपको स्टैंड तो है ही नहीं तो दिखेगा। लेकिन अभिषेक बच्चन बहुत पैशनेट इंसान है और बहुत ही रिस्पेक्ट गिविंग है। तो इनफैक्ट एक बार क्या हुआ कि ये बात तो वीडियोस में भी है कि जब मैंने सीजन वन का पहला गेम जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यू मुंबई, और जयपुर पिंक पैंथर्स को धोया यू मुंबई ने, तो सवाल उठने लगे कि ये तो जयपुर पिंक पैंथर्स तो टीम बेकार रही है। वो बाद में जाके जीत गई। अगले सीजन हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो नवनीत गौतम जो उस साल के कप्तान थे, मेरे बगल वाली सीट पे फ्लाइट में बैठे, अभिषेक आगे बैठे थे। तो मैंने उससे पूछा, नवनीत से, मैंने कहा तुम वो मुकाबला इतने गंदी तरह कैसे हारे? तो उन्होंने कहा कि सर, जब हम ना कोर्ट पर उतरे और जब मैच शुरू हुआ, हमने देखा स्टैंड में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, कह रहे हम देख रहे, कह रहे ये हमें देखने आए। कह रहे हमें 10-12 मिनट तो समझ ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। इतने में यू मुंबा गेम ले उड़ी, तो वो चकाचौंध में वो बीत गया। अभिषेक बच्चन के पास सारे अमिताभ बच्चन वाले जो अच्छी परवरिश वाले गुण होते हैं वो सब उनके पास हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। अमिताभ बच्चन ने जो अच्छी संस्कार अभिषेक बच्चन को कहाँ से दी, एक बार अनुपम खेर साहब एक शूटिंग पे गए तो उन्होंने देखा कि ओ एसी काम नहीं कर रहा या वैनिटी वैन नहीं आई। उन्होंने कहा पागल हो तुम लोग, ये कर दिया, अनप्रोफेशनलिज्म है ये, व्हाट इज दिस, बच्चन साहब आएंगे तुम्हारा बैंड बजा देंगे, ये तुम्हारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है वो। बोले जी बच्चन साहब तो 1 घंटा पहले गए, तो अंदर बैठे, अंदर बैठे कहाँ है, अंदर। बच्चन साहब एक रुमाल लेके ऐसे पसीना पोंछ रहे हैं, ऐसे अपने थाई पे रखा और किताब पढ़ रहे हैं, फिर पसीना पोंछते किताब। तो वो गए उनके पास के हेलो सर, के हाय अनुपम, यू आर लेट, के नहीं नहीं सर वो गाड़ी खराब हो गई थी, कोई नहीं, आओ बैठे। सर ये देखिए कि तो अनप्रोफेशनल लोग, कह रहे नहीं, इनका ना पावर फेलियर हो गया, बेचारे सुबह से लगे हुए, हो जाएगा ठीक है। कह रहे सर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने पूछा कि सर आपको गर्मी नहीं लग रही? अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, अनुपम सोचो तो लगती है, नहीं सोचो तो नहीं लगती। तो अमिताभ बच्चन क्रीप नहीं कर रहा तो बाकी को देखेगा, कोई कहेगा कि मेरे पास क्या आगे क्रिप करने का? अब अमिताभ बच्चन साहब के पास संस्कार कहां से आए? हरिवंश राय बच्चन साहब से। हरिवंश राय बच्चन इज द माइटीएस्ट पोएट दैट दिस कंट्री हैज एवर हैड। तो लॉरेंस स्कूल सनार में अमिताभ बच्चन पढ़ते थे, हाँ, तो वहां गए उनको देखने देखने। तो उन्होंने कहा कि पापा मैं बड़ा अपसेट हूं, मैं इस साल मैं पक्का मैं एक्टिंग का अवार्ड जीतता, मैं प्लेज में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उनको डेंगू हो गया था तो बेड रेस्ट बोल दिया। अब जब बेड रेस्ट बोल दिया तो बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि पापा ये तो क्यों हो गया मेरे साथ, क्या हो गया? तो उनके पिताजी ने एक बात बड़ी अच्छी कही उनको, उन्होंने कहा बेटा अगर मन का मिले तो अच्छा, और मन का ना मिले तो उससे भी अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सुन के तो अच्छी लगी लेकिन समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा ये अगर तुम्हें मन मन का मिल जाए तो वो तो अच्छा ही, अब मन का अच्छा ना मिले तो उससे भी अच्छा क्यों? क्योंकि ये चीज जो तुम्हें अब नहीं मिली है, तुम अगली बार जब ये कॉन्टेस्ट आएगा इंटर हाउस प्ले, तुम इसके लिए 3 गुना ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि ये तुमसे छीन लिया गया था, तुम इससे वंचित रखे गए थे, क्योंकि
क्योंकि तुम बीमार थे। और वही हुआ, अगले साल अमिताभ बच्चन ने बेस्ट एक्टर इंग्लिश बेस्ट एक्टर हिंदी प्ले का अवार्ड जीता, और उनके पिताजी का वो कथन बिल्कुल सही हो गया जब उन्होंने कहा था कि मन का मिले तो अच्छा और न मिले तो बहुत अच्छा। मेरी छोटी सी कविता है वो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा, खुद की लिखी हुई, कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार, अटकम पटकम धूम धड़ाका साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका। चाकू खंजर तलवार लड़ रहे साबित करने के लिए किसका घाव सबसे कड़ाका। देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान, मानो कह रहे हो कि कितना भी लड़ लो और भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं, हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं, पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे, ना तेरी शान कम हुई होती ना तेरा रुतबा घटा होता, बस जो भी कहा हंस के कहा होता। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। तो ये चीज आप अभिषेक बच्चन से क्या क्यों क्यों कनेक्शन है इस बात में? आप जब वो किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो सदियों से जानते हैं आपको, और ये आपके संस्कार से आएंगे।